भाटपाड़ा में शुभ उद्घाटन हुआ महिला तृणमूल कांग्रेस का कार्यालय। कल 8 जुलाई काकीनाड़ा के 10 नंबर गली में यहां के स्थानीय नेता मन्नू साहू व गोपाल रावत के जीत और मेहनत से महिला तृणमूल कांग्रेस का उद्घाटन संपन्न हुआ। इस वक्त देखा गया सैकड़ों की तादाद में महिलाओं की उपस्थिति व उनका उत्साह, और यह उत्साह बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच उपस्थित हुए थे भाटपाड़ा तृणमूल पर्यवेक्षक सुबोध अधिकारी, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। इसके साथ साथ इलाके के विशिष्ट नेताओं में जन नेता गोपाल रावत, जीतू साव, अमित साव, धर्मपाल गुप्ता, अमित गुप्ता, धर्मेंद्र सिंह, डीके बाबू प्रमुख उपस्थित थे और कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे थे। इस 11 नंबर वार्ड के सक्रिय नेता मनोज यानी मन्नू साव, देखिए हमारा यह खास रिपोर्ट। आज हम लोग का यहाँ भाटपाड़ा महिला तृणमूल कांग्रेस का पार्टी ऑफिस का उद्घाटन है। 13 नंबर वार्ड में भी हुआ, उसके बाद चालीघाट रोड में भी हुआ, आज यहाँ है। क्या बोलिएगा, महिलाओं के लिए ऑफिस खोला जा रहा है आप लोग पार्टी की ओर से? महिला के लिए ऑफिस खोला जा रहा है तो हम लोग तो पहले से ये सब करते आ रहे हैं, और महिला भी जुट रही है हम लोग से पार्टी में कि बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जो हम लोग TMC को जो कार्य देख कर माँ माटी मानुष का ममता बनर्जी का जो सेवा हो रहा है, कि सभी महिला लोग खुश है, खुश होकर हम लोग पार्टी से जुड़ कर रही है और आगे भी हम लोग जोड़ तोड़ हिस्सा ले रहे हैं। देखिए 11 नंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस में हमारे गोपाल राव जी के नेतृत्व में और मन्नू साहू के नेतृत्व में आज महिला तृणमूल कांग्रेस बहुत मजबूत हुई है। आज महिलाएं खुलकर हमारे तृणमूल कांग्रेस की सेवाओं को घर तक पहुंचा रहे हैं, और हम लोग आशा करते हैं कि इसी तरह संगठन आगे बढ़े और तृणमूल कांग्रेस का परचम भाटपाड़ा में आगे बढ़े। देखिए सबसे प्रथम पहले बताएं कि आशीष हम लोग कहाँ से निकल गया था BJP के, तो हमारे गोपाल राव जब फिर अपने घर लौटे तो प्रथम ही उनको तो हमारा आवेदन था कि ये ऑफिस जो है पुनः तृणमूल कांग्रेस के हाथ में आना चाहिए, और आज बहुत बड़ी खुशी है कि आज ये तृणमूल कांग्रेस के नाम से ये ऑफिस जो है हाथ में आया है। इसमें मन्नू साहब भी जो है पूरा सक्रिय 11 नंबर वार्ड में रहता है, हमारे वार्ड प्रेसिडेंट भी है, हम देखने को मिला है। तो ये ऑफिस लेकर जो है महिलाओं को उपहार दिया गया कि कम से कम महिलाओं का भी एक ऑफिस होना चाहिए, जहाँ महिला अपना बैठकर अपना प्लानिंग, अपना विचार, अपना लोगों का समस्या, चाहे कि घर घर का समस्या जो महिला सबसे आगे जानती है, इसलिए महिलाओं को जो है एक तो भवन दे दिया गया जिसे वहाँ से जो है वो लोग बैठे और वहाँ से वो लोग अपना कोई भी विचार दे हम लोग को, जो हम लोग उसको पार्टी की तरफ से अपना सुचारू रूप से करें। पहले TMC का पार्टी ऑफिस था, नाम सुन लिए, इसको माँ बनकर बैठने का जगह सुरक्षित जगह को मिला, तो उन लोगों को क्या बोलिएगा, किस तरीके से वो लोग आगे काम करेंगे, क्या उन लोग माँ बन लोग करवे करेंगे, दीदी के काम करेंगे, पार्टी का निर्देश को यहाँ पे पालन किया जाएगा? हाँ, गोपाल राव जी इसका नेतृत्व में काम करेंगे। हम 13 प्यार मुझे इतना गहरा नज़र आता है, तेरा प्यार मुझे इतना गहरा नज़र आता है, जो भी भाटपाड़ा में आईना देखता हूँ गोपाल राव जी, मन्नू साव जी का चेहरा नज़र आता है। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद। इसे महिलाओं के लिए कोई भी सुविधा सुविधा आप लोग देखेंगे यहाँ अगर यहाँ पे योग्यता से हो रही है, आप लोग खुश हैं? हाँ। लग रहा है इससे कुछ लाभ होगा? नारी शक्ति महान, करते हम सम्मान, नारी शक्ति महान, करते हम सम्मान। हे कल्याणी जीवन दानी तू है जग की शान, हे कल्याणी जीवन दानी तू है जग की शान। नारी शक्ति महान, करते हम सम्मान, नारी शक्ति महान, करते हम सम्मान। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
इसका एक अंगना है, महिला हो युवा हो हर एक क्षेत्र से नया नया नौजवान छात्र संगठन से ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। छात्र संगठन युवा महिला देश का भविष्य है, ये लोग ऊपर के आएगा आने से देश का देश आगे बढ़ेगा, स्टेट आगे बढ़ेगा। वो मुख्यमंत्री का प्रयास है, वो कोशिश है कि जो आगे का जो उभर के आए पॉलिटिक्स में समझे और पॉलिटिक्स में महिला आए युवा आए छात्र से उठे तो हम लोग का देश बहुत आगे जाए। जिस तरीके से यहाँ स्वागत व्यवस्था और कार्यकर्ताओं में उत्साह आपने देखा, इससे क्या लगता है आपको आने वाले दिन में चुनाव में कितना आसान होगा या कितना मुश्किल होगा आपका रास्ता? हम लोग को पता है कि नेत्री ममता बनर्जी जिस तरीके से बंगाल में काम कर रहे हैं, कोई ऐसा इंडिया में मुख्यमंत्री नहीं है जो रास्ते में उतर के ऐसे काम करते हैं। ऐसे आप देखिए कोरोना महामारी सारा वर्ल्ड में भारत में जिसके बंगाल में सब जगह हुआ है, लेकिन इसका बंगाल में जैसे ममता बनर्जी लॉकडाउन के पीरियड में गरीब आदमी लोग का जैसे फ्री कूपन बांटा हुआ है, कम से कम 5 करोड़ आदमी को फ्री कूपन दिया गया है राशन का। फिर पांथम साइक्लोन में कम से कम 20,000 रुपया करके 5 लाख परिवार को दिया गया है। साल में 9 दिन में सबका अकाउंट में रुपया चला गया है। ये भारतवर्ष में कोई स्टेट में कोई मुख्यमंत्री ऐसा जल्दी से किसी का अकाउंट में ऐसा भरपाई कोई नहीं किया, एक रिकॉर्ड है इंडिया का। जैसे ममता बनर्जी गरीबों का मसला है, गरीब जानता है कि हम लोग का जो नेता नेत्री है ये नहीं रहने से हम लोग का क्या दिक्कत होगा, इसलिए आदमी पूरा ममता बनर्जी के ऊपर भरता है, इसी का उत्साह आप देख रहे हैं। हाटपाड़ा में इसका पहले जो राजनीतिक नेता लोग है जैसे आपको इस संचल आसान करके रखा हुआ था, आदमी अपना परिवार अपना बाल बच्चा स्कूल में जाए स्कूल में पढ़े स्कूल बंद होने नहीं देखना चाहता है, जो बिजनेस मैन करता है बिजनेस भाई उन लोग का दुकान पर खुला रहा है सबका रोजी रोटी चल रही है। ये आसाम का खिलाफ में जो आदमी उभर के आ रहा है आदमी शांति चाहता है, हरपड़ा का आदमी शांति चाहता है, इसलिए शांति ज़्यादा मतलब ममता बनर्जी हाथ मजबूत कर रहा है। बीच बीच में सर जब तक बमबाजी होने लग रहा है करके रुस्तम गुंडी इलाके में, तो इसमें क्या कहेंगे कि प्रशासन क्या फेल हो रही है? देखिए कोई जनप्रतिनिधि अपना खुद बम फेंकेगा और उसको सेंट्रल फोर्स घेर के रखेगा तो प्रशासन क्या करे? जनप्रतिनिधि का काम क्या है? जनता का सेवा करना, जनता का नौकर जैसा काम करना। अब जनता का जो शोषण करेगा मजदूर का शोषण करेगा वो तो बम चलना ही करेगा। मैं सांसद जनप्रतिनिधि बना है लेकिन वो जनप्रतिनिधि नहीं है। अगर होता तो अगर देखिए हालीसर में जो हमला हुआ है, हालीसर में जहाँ पर बोला है कि सनापदा मुखोपाध्याय का हम लोग मीटिंग करने की, उस मीटिंग में देखिए वहाँ का बीजेपी में मंडल होता है, फिर उसके साथ MLA मंडल भी नहीं है MLA नहीं वो अपना सेंटर फोर्स के साथ गुंडा दर्जी करने के मैंने गुंडा अपना ले के साथ में मीटिंग कर रहा था। की प्लानिंग इस क्षेत्र में कैसा उसका बाहुबली व कैसा उसका गुंडाई और रंगदारी उछल इसे कोशिश में वो बड़े हुए हैं, जनता के सेवा में नहीं है, जनता समझ में है, जनता उसके खिलाफ में पूरा है। अर्जुन सिंह सीधे चैलेंज कर रहे हैं आपको और आप आज भाटपाड़ा में उपस्थित हुए हैं, क्या जवाब देंगे उनके चैलेंज का? देखिए जनता चैलेंज कर रहा है, जैसे आपको बोलते हैं कि आज म्यूनिसपाली से लेके कोऑपरेटिव बैंक तक 200 करोड़ का लूट हुआ है, उसका जनता का पैसा है, तो जनता यहाँ का चैलेंज अर्जुन सिंह से कर रहे हैं, हमसे नहीं। हम तो उसको चैलेंज करके क्या फायदा, जनता उसको जनता जो जनार्दन होता है जनता जब हार जाएगा जैसे TVS Authorized Dealer এবং বিশ্বস্ত সার্ভিস সেন্টার নিউ অটো সেন্টার। এখানে সবসময় পাবেন TVS কোম্পানির সমস্ত মডেলের টু হুইলার গাড়ি, তাও একদম সঠিক দামে এবং সহজ ফাইন্যান্সের সাথে। মাত্র 1 ঘন্টায় গাড়ির বীমা করে দেওয়া হয়। এখানে পাবেন প্রত্যেকটি গাড়ির উপরে আকর্ষণীয় উপহার, অফার স্টক থাকা পর্যন্ত। 62 East ঘোষপাড়া রোড, আতপুর পেট্রোল পাম্পের পাশে, ওয়েস্ট বেঙ্গল 743128। এখানে যত্ন সহকারে সার্ভিস করা হয় এবং টিভিএস এর সমস্ত স্পেয়ার পার্টস পাওয়া যায়। আজ চলে আসুন নিউ অটো সেন্টারে। ফোন নাম্বার 9883787452 অথবা 9748813।